रहा है। इन्हीं रहस्यों की गुत्थी सुलझाने की अदम्य लालसा के साथ
22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, जब संपूर्ण देश बेसब्री से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था कि चांद की धरती पर विक्रम लैंडर उतरने वाला था, किंतु दुर्भाग्यवश हम सफल ना हो सके। जब संपूर्ण देश निराशा के गर्त में चला गया, उस समय असफलता को सफलता में परिणत कर देने के लिए विख्यात भारत की वैज्ञानिक मेधा दुगने उत्साह के साथ चंद्रयान 3 के लिए प्रतिबद्ध हो गई, और फिर उस बहुप्रतीक्षित घड़ी का आगमन हुआ। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले राष्ट्र बनने का हमारा स्वप्न साकार हुआ। आइए प्राथमिक विभाग के बच्चों के साथ स्वप्नों के यथार्थ होने की, असफलता से सफलता की इस यात्रा के भागीदार बने। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। ऐसा हुआ कि हमारा संपर्क हमारे यान से टूट गया। सारे देश में मायूसी छा गई, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। दुनिया में हम छाए हुए हैं, दुनिया में हम छाए हुए हैं, दुनिया में हम छाए हुए हैं, चंद्रयान
विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जीवन में सफलता पाने के लिए स्वप्न देखना सबसे आवश्यक है। इस संसार में जो कुछ भी महत्वपूर्ण और बड़ा हुआ है वो उसके लिए सर्वप्रथम किसी ने स्वप्न जरूर देखा होगा। आप जब स्वप्न देखते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ स्वप्न देखने से कुछ होता नहीं है। सिर्फ स्वप्न देखेंगे तो हम लोग के समय में टीवी पे एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और आप कुछ करेंगे नहीं तो स्वप्न आपका स्वप्न मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह समाज में हंसी का पात्र हो जाएगा। इसके लिए चाहिए संकल्प शक्ति, जैसा कि परम आदरणीय बैरिस्टर नरेंद्र सिंह जी ने दिखाया और इतना बड़ा विद्यालय खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति के देखे हुए स्वप्न ने उत्तर प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों अभिभावकों के स्वप्न को पूरा करना शुरू कर दिया। ये बड़ा प्रेरणादायक है। आप स्वप्न देखिए, उसे पूरा करने के लिए संकल्प शक्ति लाइए, कठिन परिश्रम करिए, जान लगा दीजिए। आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए कि मुझे अपने स्वप्न को पूरा करना है, फिर संपूर्ण प्रकृति और सृष्टि आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए आपका साथ देने लगती है। किसी ने कहा है, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसकी मिट्टी बलिदानी है, इसमें पौरुष ज्वार, नयन में ममता का पानी है। रत्न प्रसवा भारत वसुधा समय समय पर ऐसे अमूल वसुओं को प्रसूत करती रही है, जिनकी स्वर्णिम आभा से आज विश्व इतिहास के सुनहरे पृष्ठ रचे गए हैं। इस देव भूमि की ललनाएं जहां एक और दया ममता एवं सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बनी है, वहीं दूसरी ओर अदम्य साहस पौरुष एवं बलिदान के भावों से भी पूरित है। इसी पुण्य धरा को अपने स्वजन्म से कृतार्थ किया है माँ जगदम्बा की प्रतिमूर्ति, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई एवं रानी पद्मनी जैसी महान शक्ति संचारिणी दीपशिखाओं ने। पुरुषों से दुर्लभ आगे है भारत की ललनाएं, बनी बिजलियाँ दौड़ रही है वे अबोध बालाएं। आँख खोल कर देख कल्पने ये भारत की नारी, जिसके आगे नतमस्तक होती है दुनिया सारी।
नारी थी तो किंतु लजाए पौरुष ऐसी नारी युगो युगो तक जीवन के पद की अनुपम उजियारी मृत्यु वरी लेकिन जीवन को लज्जित करना तुम्हें न भाया अंगारों की छाया में भी तुमने मुक्ति मार्ग दोहराया। अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हरात्मा तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका जब बेटे में खड़ी होती है तभी विजय बनी होती है। धीर वीर वह नारी थी गढ़मंडला की वह रानी थी दूर दूर तक थी प्रसिद्ध सबकी जानी पहचान थी। उसकी ख्याति से घबरा कर मुगलों ने हमला बोल दिया विधवा रानी के जीवन में बैठे ठाले विष घोल दिया। मुगलों की थी ये चाल की अब कैसे रानी को मारे वो जब दुर्गावती रण में निकली हाथ में थी तलवारें जो हाथ में थी तलवारें जो
आपका इकबाल बुलंद हो, जहां बना आपका पैगाम हमने सभी रियासतों में भिजवा दिया है। तमाम 6 रियासतों ने मुगल सल्तनत के तहत आने का फरमान कबूल किया है और दीगर रियासतों ने कुछ वक्त मांगा है। आलम बना, जल्द ही हम उन पर भी हुकूमत करेंगे। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को मुगल सल्तनत के तहत आना नहीं होगा, क्योंकि हम ताकतवर मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। गुस्ताखी मुआफ आलम बना, एक रियासत है जिसने आपके फरमान को कबूला नहीं है और उसने आपके शाही फरमान का ये हश्र किया है। आसफ खान, कौन है ये गुस्ताख? किसकी इतनी मजाल कि वह बादशाह अकबर के फरमान को कबूल न फरमाए? जहां बना, यह गोंडवाना राज्य की महारानी रानी दुर्गावती है। आसफ खान, एक मामूली सी रानी मुगल सल्तनत के तहत आने से इनकार भी कर सकती है? नामुमकिन। गुस्ताखी मुआफ आलम बना, रानी दुर्गावती को मामूली औरत समझने की गलती ना करें। आसफ खान, तो इसको हमारी तरफ से एक तोहफा पेश किया जाए। महारानी की जय हो। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आपके लिए एक तोहफा और पैगाम भेजा है। आधार से अकबर के पैगाम को सारी सभा के सामने पढ़ा जाए। जी महारानी, तोहफा यह सोने का पिंजरा है और पैगाम में लिखते हैं कि औरतों के हाथों में तलवार नहीं जचती, तुम्हें एक पंछी की तरह पिंजरे में ही रहना चाहिए। गुनवाना के लिए अच्छा यही होगा कि वह खुद ही हमारे अधीन हो जाए, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाए। जंग तो बहुत जल्द होगी आधार सिंह, तुम शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करो, शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना है। और इस तरह रानी दुर्गावती ने एक नहीं परंतु दो दो युद्धों में मुगलों को पछाड़ दिया। कितना नहामत दीदी का भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता।
अब राजा भी अदृश्य है। Thank you.
पांच ही बड़े सुख साज प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानव जाति को एक उपहार है। धरती के पग पग पर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य मानव मन को शीतलता प्रदान करता है और इस प्रकृति की देखभाल करती है आती जाती ऋतुएं। समय समय पर इस धरती को सजाती सवारती ये ऋतुएं, धरती के कणकण को निखारती ये ऋतुएं। संपूर्ण विश्व में भारत ही एकमात्र देश है जिसे छह ऋतुओं का वरदान प्राप्त हुआ है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये छह ऋतुएं प्रकृति को नवरंग में रंग कर मानव मन को नव जीवन से रंग देती हैं। भारतीय पंचांग का आरंभ होता है चैत्र माह से, अतः ऋतु चक्र का आरंभ माना जाता है ग्रीष्म ऋतु से। बैठी रहती अति सघन वन पैठ सघन तन माही, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छां। इस ऋतु में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। सूर्य की प्रचंड किरणों से तालाब नदियां और सरोवर सूख जाते हैं। एक ओर जहां ग्रीष्म की थकान है तो वहीं दूसरी ओर आम तरबूज और लीची जैसे फलों की सौगात लाती है। फूले
प्रकाश सकल नहीं छाई जनु वर्षा प्रगति बुढ़ाई। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। अब आसमान का रंग नीला साफ दिखाई देता है। मेघ अठखेलियां करते हैं। घास पर बड़ी बड़ी ओस की बूंदे जीवन में आशा का संचार करती हैं। शारदीय नवरात्र की पवित्रता संपूर्ण परिवेश को शुचिता से भर देती है। रमी परोड़े आवे खुशियों संगे नावी हर गाए भैयो हाय हाय आशाली के लो बिखराए उमंगनी चढ़ता में मन बने हाय हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल तेरा आई सपनों की लहरी प्रभु की बाजी शहना के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ हमें के साथ ही हमको ढोना है शहना ऋतु वसंत से हो गया यह कैसा अनुराग
काली कोयल गा रही भांति भांति के राग, पीली सरसों खेत में लगते बहुत अनूप, लगे धरा में धर लिया दुल्हन जैसा रूप। पूनम को कपिराज केसरी द्वार, माँ अंजनी के लाल बन कपि रूप आए प्रभु धार। भक्ति और शक्ति के अनुपम संगम महाबली वज्रांग श्री हनुमान जी स्वयं अनादि रुद्र का अंश हैं। श्री राम के परम भक्त, बल एवं बुद्धि के अपार भंडार श्री राम, श्री हनुमान जी की कृपा हमारे राष्ट्र पर सदैव बनी है। आइए इसी मंगल कामना के साथ श्री हनुमान चालीसा के श्रवण दर्शन एवं उच्चारण से सजीवन को धन्य करें। चरण शरण में आई के धरु तिहारा ध्यान, दुर्गम काज बनाई के की जय भक्त निहाल। हाथ जोड़ विनती करो सुनो वीर हनुमान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। जय श्री राम। Oh,
Oh,